मुझे कोई टीचर अडॉप्ट करे या फिर कोई माफिया बॉस? ये माफिया बॉस का मतलब क्या होता है, मुझे दूसरे बच्चों से पूछना पड़ेगा। हे गाइस, क्या तुम लोगों को पता है कि माफिया बॉस का मतलब क्या होता है? माफिया बॉस वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर भी होते हैं। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आया माफिया बॉस का तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लो जल्दी से। सच में थैंक यू। रिंकी, तुम्हें कोई अडॉप्ट करने आई है, मिस्टर सिंघानिया। हेलो, आज के बाद से मैं तुम्हारा पापा हूँ। रिंकी हेलो बोलो। हाय रिंकी, आज के बाद से यही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ओके चलो रिंकी, मैं तुम्हें तुम्हारे नए घर में लेके चलता हूँ। तो बताओ तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? बहुत अच्छा है। और ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। थैंक यू। क्या ये सच है कि आप बहुत सारे पैसे कमाते हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे काम के बारे में मुझसे पूछे। आई एम सॉरी, मैं बस पूछ रही थी। मेरे काम के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन मत पूछना। अब इसे जल्दी से पहन लो और अपने रूम में थोड़ी देर के लिए जाओ। लेकिन क्यों? बॉस वो आगे आपका इंतजार कर रहा है। रिंकी मैंने बोला ना, अब यहाँ से जाओ। ठीक है। तुम एक बार और अपने पेमेंट के लिए लेट हो गए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप प्लीज मुझे आखिरी चांस दे दीजिए। आखिरी चांस तो मैं नहीं देता, सॉरी। बाय पापा, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। रुको, तुम स्कूल जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें जितने भी पुलिस वाले दिखे तुम उनसे दूर रहो। ठीक है? ठीक है। ओके अब जाओ। हाय रिंकी, मैं ऑफिसर पैट्रिका हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। रुको, हमें तुम्हारे पास पापा के बारे में बात करनी है। क्या वो एक माफिया बॉस है? हमसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, अब बताओ। नहीं तो तुम्हारे नए पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और तुम हमारी हेल्प करोगी उनको पकड़ने में। और तुम्हारी उसमें हेल्प करेगा ये पेन। एक पेन? ये एक नॉर्मल पेन नहीं है, इस पेन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा है और तुम इसकी हेल्प करके अपने पापा की सारी चीजें रिकॉर्ड करोगी। नहीं, मैं अपने नए पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, समझी तुम? इसका मतलब उन सारी लड़कियों ने मुझसे झूठ बोला था। मुझे पता लगाना होगा कि मेरे पापा क्या करते हैं। पापा, मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं है कि आपके काम के बारे में कोई आपसे पूछे, लेकिन अगर मैं आपके साथ रह रही हूँ आपकी बेटी बनके, तो आपको अपने बारे में सब कुछ मुझे बताना होगा। तो क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं क्या काम करता हूँ? तो मैं वो चीजें करके पैसे कमाता हूँ जो चीजें लीगल नहीं होती हैं। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? क्योंकि मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं और मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, और मैं चाहता था कि मेरी एक बेटी हो इसीलिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है। नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। खैर, आपने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया तो मुझे भी आपको सब कुछ बताना होगा। आज जब मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और उन्होंने मुझे ये कैमरा वाला पेन दिया। उन्होंने बोला इसमें मैं आपके बारे में एविडेंस जमा करूं। क्या? मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम पुलिस वालों से दूर रहना। लाओ ये पेन मुझे दो। मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उन्होंने बोला कि अगर मैंने आपके बारे में सबूत नहीं इकट्ठा किया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। अच्छा, तो उन्हें मेरे बारे में सबूत चाहिए, तो चलो उन्हें देते हैं। ठीक है, तो हमने जो तुम्हें बोला था वो तुम लेकर आई हो? हाँ, इस पेन में मेरे पापा के बारे में सारे सबूत, आप लोगों को अभी सुनना चाहिए। अच्छा लाओ, जल्दी दो, जल्दी से लगाओ। ऑन हो गया। अरे ये कैसे है? लगता है पेन में कोई खराबी हो गई है। तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा फनी लग रहा है क्या? एक सेकंड, ये जो दोनों आप लोग के बैचेस है ये तो नकली लग रहा है। इसका तुम दोनों असली पुलिस वाले नहीं हो? प्लान नंबर बी की बारी आ गई, जल्दी से पकड़ो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारा बैच पहचान कर। अब हमें मजबूरन वो करना होगा जो हम नहीं करना चाहते थे। हम तुम्हारे पापा के दुश्मन है, समझे तुम? तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हम तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारे पापा को यहाँ तक बुलाएंगे। वो तुम दोनों के जाल में नहीं आने वाले हैं। हाँ, वो जरूर फंसेगा और उसके बाद हम उसे मार डालेंगे। नहीं, मैं उन्हें पहले ही बता दूंगी। तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताओगी, समझे तुम? अब जल्दी से इसे दूसरे रूम में लेके जाओ और बंद कर दो, और कोई दवाई दे दो जिससे शांत हो जाए। चलो। रिंकी बेटा, क्या तुम ठीक हो? पापा। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब जल्दी से मेरे साथ चलो। नहीं पापा, आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से। सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी से इस रास्ते से बाहर निकलो। नहीं। हमें पता था तुम जरूर आओगे। क्या तुम हमारे बारे में भूल गए? तुम दोनों तो वही हो ना जिसने मुझसे काम के लिए ज्यादा पैसे मांगे थे। हाँ, और तुमने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। हाँ, और अब हम तुम्हारे और तुम्हारी बदतमीज बेटी को छोड़ेंगे नहीं। तुम दोनों को क्या लगा था कि मैं अकेले आया हूँ? बेटा अब जल्दी से यहाँ से चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। अब जल्दी से इसे पहन लो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने बोला था अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हें जमीन पे गिरा दूंगा। क्या अब हम सेफ हैं? हाँ बेटा, अब हम सेफ हैं। अब चलो यहाँ से। सर, क्या आप श्योर है कि रिंकी को फिर से आप एडॉप्शन सेंटर पे वापस भेजना चाहते हैं? हाँ, मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मैंने फैसला लिया और रिंकी के लिए भी यही बेस्ट होगा। रिंकी यू डिजर्व बेटर पेरेंट। मुझे कोई दूसरा पापा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। रिंकी अब जाने का टाइम आ गया, चलो। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी, और ये भी कि आपने मेरी जान कैसे बचाई। बेचारी को माफिया बॉस ने फिर से वापस भेज दिया। मुझे नहीं लगता अब इसको कोई अडॉप्ट करेगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। रिंकी जल्दी से यहाँ आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे?
पापा आप? मैंने उसके बारे में बहुत सोचा जो तुमने बोला था कि तुम्हें कोई दूसरा पापा नहीं चाहिए, और वैसे भी जब से तुम गई हो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा? हाँ बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा।